की चिड़िया कहलाए जाने वाले इस देश में आज भी ना तो सोने की कमी है और ना ही सुनहरे सोने को चाहने वालों की। सोने का ये प्यार हमारे देश की औरतों में कभी भी कम नहीं हो सकता, लेकिन हैरत की बात ये है कि जहां हमारे देश में हर औरत सोना खरीदती भी है और पहनती भी, वहीं अभी तक इसे खरीदने का और जानने का कोई खास ठोस तरीका नहीं है। सोने की प्योरिटी का तो इतना हम लोगों को अंदाज नहीं होता कि होता है, क्योंकि जो शॉपकीपर बताते हैं कि ये 22 कैरेट का है, ये 24 का है, तो कहते हैं 24 का प्योर है। पर्सनल नॉलेज इतनी नहीं होती आदमी को, क्योंकि ज्वेलर्स तो है नहीं हम लोग, मतलब ये है कि देख के मतलब अंदाजा हो ही जाता है कि कैसा है सोना। ज्यादातर महिलाएं पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा पर आज भी चल रही हैं, और वो परंपरा है केवल विश्वास की। जहाँ मेरी नानी और माँ खरीदती थी, वो दुकानदार तो भरोसे का होगा ही, यही मानकर ज्यादातर सोना खरीदा जाता है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि गोल्ड इज कितना प्योरिटी है, या आई वुड गो कि ठीक है मेरे पेरेंट्स जाते रहे, उनके आगे पेरेंट्स जाते रहे, लाइक दैट। गहने कैसे बनते हैं और खरीदते वक्त किस किस चीज के हम पैसे देते हैं, ये जानना जरूरी होता है ताकि कोई आपको धोखा ना दे सके, पर बिल लेना इसके लिए लाजमी हो जाता है ताकि आपको पता रहे कि आपने कितने पैसे किस चीज के लिए दिए हैं। बिल लेते हैं इसलिए लेते हैं कि कल को हमें रिटर्न करना पड़े, तो कोई चीज रिटर्न करने पे तो हमारे पास ये प्राइस है, ये हमने बिल लिया है, तो वैसे ही वो हमको रिटर्न कर लेते हैं सेम प्राइस पे। कभी कभी लाइक इफ इट्स अ हैवी गोल्ड एंड यू नो आई एम बाइंग समथिंग व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव, डेफिनेटली मैं लूंगी बिल, ऐसे नहीं कि मैं बिल छोड़ दूं। ये नहीं है कि मैंने किसी ने भी कोई कागज के ऊपर लिख के दे दिया है, इट शुड बी अ प्रिंटेड गारंटी कार्ड, एक प्रिंटेड कैश मेमो के साथ, ताकि आपकी सब चीज रिकॉर्डेड रहे उसके ऊपर, क्योंकि फाइनली इट इज अ वेरी हैवी अमाउंट दैट यू पे इन गोल्ड ज्वेलरी। पिछले कुछ सालों से MMTC और अन्य प्राइवेट कंपनीज ने 22 कैरेट की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई है। उन्होंने अपने शोरूम में सोने की शुद्धता जांचने वाले कैरेट मीटर की व्यवस्था भी की है। कैरेट मीटर इज बेसिकली अ स्पेक्ट्रोमीटर जो आपको एक सरफेस प्योरिटी बता देता है उस गोल्ड की। अगर कोई पूरे ऑर्नामेंट की वैल्यू जानना चाहता है तो भी उसको मेल्ट करके इज द फाइनल टेस्ट फॉर गोल्ड प्योरिटी, उसको पूरा मेल्ट करके अगेन कैरेट मीटर में हम चेक करते हैं और उनको बता देते हैं। अभी भी कुछ महिलाएं केवल सोने का रंग देखकर उसकी शुद्धता का अंदाजा लगाती हैं, जो काफी नहीं होता। 22 कैरेट के पैसे देकर 22 कैरेट सोना आपको मिलता है या नहीं, इसकी गारंटी का ठोस प्रमाण होना बेहद जरूरी है। अभी तो ऐसी कोई कुछ हमें नॉलेज नहीं है इस बारे में कि सोना टेस्ट करने के आजकल कौन कौन सी मशीनें आई हैं या कुछ है। 1/4 में अगर खर्च करूंगी उस पे तो आई शुड नो कि मैं कैसे कैसे गोल्ड पे स्पेंड कर रही हूँ। सोना खरीदने के बाद उसे संभालना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हैंडल एनी प्रोडक्ट उसके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इट शुड बी इन अ डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, और जहाँ तक वैसे इतना ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कॉटन में लपेट के रखना है या किसी कागज़ के अंदर लपेट के रखना है, बट जहाँ पर भी जिसे भी ड्रॉअर में रखें या सेफ में रखें, जस्ट इंश्योर दैट इट इज़ केप्ट प्रॉपरली। गहना चाहे छोटा हो या बड़ा, हल्का हो या भारी, इसे खरीदने के लिए सिर्फ विश्वास और सुनहरी रंग ही काफी नहीं है। हम सबके लिए जरूरी है कि गहने खरीदते वक्त बिल जरूर लें और बाद में सोने की जांच जरूर करवाएं। आखिर सोना वही है जो विश्वास पर नहीं कसौटी पर भी खरा उतरे।